हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह हम लोगों ने जो 42 क्वेश्चंस किए थे उसमें से हमने 15 क्वेश्चंस का जो है क्विज तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपना टेस्ट ले सकें कि कितना आप लोगों को याद है और कितना भूल गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर सुबह जिसका वीडियो मिस हो गया था तो वो लोग 42 क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो सुबह वाला वीडियो है उसमें भी मैंने लिंक डाल दिया है इस क्विज के लिए, तो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रोज़ाना का हिस्ट्री लेकर आती हूँ किस डे पर क्या रहा। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत जो जीके से रिलेट करते हैं वो मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट द क्विज। सब्सक्राइब करिए आर्यांश क्लासेस को, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? ए चूना पत्थर, बी स्लेट, सी बलुआ पत्थर, डी बेसाल्ट। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर को। राइट आंसर है डी बेसाल्ट। दूसरा प्रश्न, मारियाना खाई यानी कि ट्रेंच विश्व महासागर का विश्व का सबसे गहरा हिस्सा है, इसकी गहराई क्या है? ए 36,201 फीट, बी 36,508 फीट, सी 36,405 फीट, डी 36,307 फीट। गाइस, अगर आप रोजाना थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करते हो तो आपका कोर्स कंप्लीट होने में आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। राइट आंसर है ए 36,201 फीट। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है? ए चीन, बी नेपाल, सी केन्या, डी इंडिया। सही जवाब है ए चीन। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना लैंडमास से जुड़ा हुआ है? ए थार रेगिस्तान, बी डेक्कन पठार, सी हिमालय, डी गंगा घाटी। गाइज, एक भी क्वेश्चन ऐसे तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सुबह ही हमने पढ़े हैं। राइट आंसर है बी डेक्कन पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी गोवा। राइट आंसर इज ए आंध्र प्रदेश। प्रेरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी अर्जेंटीना। राइट आंसर इज डी अर्जेंटीना। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? ए आइनोस्फेयर, बी जीनोस्फेयर, सी जोनोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। राइट आंसर इज डी स्ट्रेटोस्फेयर। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या फर्क पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी यह नियत रहता है, सी कम हो जाता है, डी नियत रूप से कम ज्यादा होता है। राइट आंसर इज सी कम होता है, यानी कि वायुमंडल में आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे दबाव कम होगा, यानी कि ग्रेविटी कम होती जाएगी। कौन सी वायुमंडलीय परत की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर है? ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी शोभ मंडल। राइट आंसर इज बी मध्य मंडल। वायुमंडल में गैसों के मिश्रण का अधिकतम प्रतिशत है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर इज डी नाइट्रोजन।
रेडियो वायुमंडल के विक्षेपण के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत जिम्मेदार है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्यम मंडल। राइट आंसर इज सी आयन मंडल। वातावरण में बादल अपने कम की वजह से तैरते हैं, किस कम की वजह से वह तैरते हैं? ए दबाव, बी तापमान, सी घनत्व, डी वजन। राइट आंसर इज सी घनत्व। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट आंसर इज बी सोडियम क्लोराइड। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितनी मात्रा में वर्षा होती है? ए 100 से 200 सेंटीमीटर, बी 70 से 200 सेंटीमीटर, सी 170 से 250 सेंटीमीटर, डी 100 से 170 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज बी 70 से 200 सेंटीमीटर। मुंबई में धारावी प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, बी फिल्म निर्माण स्थल, सी बहुमंजिला इमारत, डी स्लम डॉग मिलेनियर के अभिनेता का घर। राइट आंसर इज ए विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती।